यह है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ बाहुबली 2 के 5 दिनों के कलेक्शंस के बारे में। चाइना में इस फिल्म के कलेक्शंस धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कलेक्शंस आखिर किस तरह से कहाँ तक जाएंगे। एनीवेज चलिए थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और कलेक्शंस देखते हैं। आज ही चौथे नंबर पर एंड हुई, 0.93 डॉलर्स ने कमाई की। कल के हिसाब से थोड़ी सी कम कमाई है। कल के जो रात के अपडेट थे उस हिसाब से 0.99 डॉलर था, आज 0.93 डॉलर, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 0.06 डॉलर कम कमाई है आज बाहुबली 2 ने। और यहाँ पर 1 लाख यानी कि 1,18,000 एडमिशन्स हुए हैं। 40,000 शोज़ हैं, यानी कल के हिसाब से आज में बहुत ज़्यादा शोज़ में कमी नहीं देखी गई है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ ही है, मतलब कमी नहीं देखी गई है। टिकट प्राइस गिरा है, 4.91 डॉलर हुआ है टिकट प्राइस। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा 0.93 मिलियन डॉलर है और 9.49 टोटल हो चुका है मिलियन डॉलर चाइना में, यानी चौथे नंबर पर है। ठीक है, यानी कि बाकी जो इसके ऊपर फिल्में हैं ये पुरानी फिल्में हैं, यानी कि इसका मतलब बाहुबली ने बहुत ज़्यादा जम के कॉम्पिटिशन नहीं दिया है बाकी फिल्मों को। एनीवेज अब टोटल देखते हैं कितना कलेक्शन प्रॉपर तौर पर हुआ है बाहुबली 2 का। ये जो देखते हैं 5वें दिन का 6.23 करोड़। आप सोचोगे यार मैंने कहा 0.93, सॉरी 0.99 डॉलर था कल का, तो ये 0.88 कैसे हुआ? तो ये अपडेटेड कलेक्शन सुबह तक के जो 5.90 करोड़ आए हैं, और ये भी जब शायद अपडेटेड होगा तो इससे कम भी जा सकता है। एनीवेज अभी तक के जो प्रॉपर कलेक्शन टोटल हुआ है उस हिसाब से 9.49 मिलियन डॉलर जो 5 दिन का टोटल है चाइना में, वो हुआ है कम से कम 63.64 करोड़। और बिफोर चाइना 1,716 करोड़ वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने कमाई की थी, चाइना में रिलीज होने के बाद 1,779 करोड़ इसका कलेक्शन पहुंच चुका है। यानी कि इतना तो साफ है, हर कोई एग्री भी करता होगा कि 1,800 करोड़ के ऊपर इसका कलेक्शन ज़रूर जाएगा, और इतना इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कितने खुश हैं बाहुबली के 5 दिन के कलेक्शन के बारे में जानकर, चाइना के और साथ ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के अपडेट जानकर? ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म एटलीस्ट 100 करोड़ पहुँचे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए फिलहाल कितना ही।